नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। आज हम राग शंकरा देखेंगे। पिछले हफ्ते मैंने कहा जरूर था कि हम जय जयवंती देखेंगे, लेकिन मुझे याद आया जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि हमने अभी हाल ही में कुछ हफ्तों पहले ही जय जयवंती किया हुआ था। बिहार की जब हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, तो एक जगह पे मैंने कहा था कि यहाँ पे शंकरा का काफ़ी आभास हो रहा है, काफ़ी नज़दीक है शंकरा बिहाग के। बल्कि बिहाग में से एक सुर निकालने से जो बचता है वो है शंकरा। बिहाग में से अगर मध्यम निकाल दिया जाए तो जो छः स्वर बच रहे हैं वो बनाते हैं राग शंकरा। बिहाग और शंकरा दोनों ही बिलावल के अंतर्गत, बिलावल से बहुत मिलते जुलते। तो आज देखते हैं राग शंकरा। शंकरा पर आधारित बहुत सारे गाने तो नहीं मिलते, बहुत लोकप्रिय गाने नहीं मिलते। एक कव्वाली याद आ रही है, बेमुरवत बेवफा, जो शंकरा पर आधारित थी। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं शंकरा के साथ ही और देखते हैं शंकरा कैसे बन रहा है। बिहागी से शुरू करते हैं। इसमें जो मध्यम, दोनों मध्यम लग रहे हैं बिहाग में, उसको अगर निकाल दिया जाए तो शंकरा रहता है। लेकिन सिर्फ इतना ही है नहीं, थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है। साग पग ये तो हो गया, ये ऋषभ से जो गंधार को आ रहे हैं, प ग रे ग प रे ग रे सा, और गंधार भी जो है इसके बजाय ये अभी सही शंकरा की फ्रेज बन रही है। बिल्कुल बिहाग से मिलता जुलता, मध्यम है नहीं और गंधार लगाने का जो ये तरीका है, थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं गंधार को। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत टिपिकल शंकरा है ये। ये निषाद पे जो ठहराव हो रहा है, गाप और फिर निधा सानी, गाप निधा सानी प, और निधा प करने का जो तरीका है ये बिल्कुल बिहाग जैसा है। Thank you.
ये इसी तरह है, ये दोनों फ्रेजेस आना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर मध्य सप्तक में और ऊपर ही चलेगा राग, नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। और ऊपर फिर जाएंगे षड्ज के ऊपर, बहुत बिहाग का आवास होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे चलन एकदम स्पेसिफिक हो जाता है कि ऐसे ही फ्रेज आना है, तो राग की विस्तार क्षमता कम होते जाएगी, क्योंकि वो वैसे ही लेना है हर बार, तो उससे राग बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे बिहाग बड़ा हो रहा है, वैसे शंकरा उतना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बस यही फ्रेजेस घूम फिर के वापिस वापिस आते रहेंगे। लेकिन ख्याल गायन में शंकरा काफी लोकप्रिय है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ने इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया है शायद। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बंदिश सुनते हैं शंकरा की, बहुत प्रचलित बंदिश है। Thank you.
तो ये था प्यारा सा शंकरा। हमने देखा कि कैसे बिहाग में से एक स्वर निकाल कर हमें शंकरा मिलता है। इसी को दोहराया जाए, शंकरा में से और एक स्वर निकाला जाए तो जो मिलता है वो भी एक बहुत लोकप्रिय राग है, राग हंसध्वनि। अगले हफ्ते देखेंगे राग हंसध्वनि।